कुक एंड बेक्स सिंस 2010। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुक एंड बेक्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चिकन स्टेक। चिकन स्टेक तो दो तरह के होते हैं, बीफ स्टेक और चिकन स्टेक। चिकन स्टेक तो बहुत कम होते हैं, इसको ग्रिल चिकन भी कहा जाता है। बेसिकली जो स्टेक होता है वो बीफ का ही होता है, बीफ फिले से बनता है। लेकिन आज मुझे बहुत 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 जो मेरे एक स्वीट व्यूअर हैं हुमायूं खान, मेरे अंकल लाहौर में होते हैं, उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी कि मैं उनके लिए स्टेक की रेसिपी दूं, तो आज मैं उनके लिए चिकन स्टेक की रेसिपी दे रही हूं। लेकिन आगे जाने से पहले आपसे कहती चलूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर नई रेसिपी आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके लिए लिए बीफ चिकन फिले। आपने इस तरह चिकन फिले लेना है। अगर आप बीफ का फिले लेना चाहते हैं तो बीफ का फिले भी आपने अंडर कट से लेना है। अंडर कट वाला पार्ट जो होता है उसका फिले आपने लेना है। जो स्टेक होता है वो अंडर कट के पार्ट से बहुत जूसी और टेंडर बनता है। अब ये मैं इसकी मैरिनेशन करने लगी हूँ, लेकिन मैरिनेशन करने से पहले इसको मैं फ्लैटन करूँगी, इसको फ्लैट कर लूँगी। मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरह फ्लैट करना है। अच्छा, मैंने एक रैपिंग शीट ली है। आपके पास रैपिंग शीट नहीं है, कोई भी बैग ले लें, जिपलॉक बैग ले लें, सिंपल बैग ले लें। आप इसको इस तरह कवर करके, और ये मेरे पास हैमर है, ये बीफ के लिए होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो रोटी बेलन वाला बेलन होता है, और इमाम दस्ता जो जिससे हम चटनी कूटते हैं, उस डंडे से भी आप इसको फ्लैट कर सकते हैं। मैं इसको अब फ्लैट करूँगी। आपने इस तरह इसको फ्लैट करना है जी। नाजरीन, ये देखें, हमने चिकन को जो है फिले को बिल्कुल फ्लैट कर लिया। आपने इस तरह इसको फ्लैट करना है। अब मैं इसको मैरिनेट करूँगी। मैरिनेशन के लिए मुझे जो स्पाइस चाहिए जी नाजरीन, मैरिनेशन के लिए जो मुझे चाहिए, मैंने ऑयस्टर सॉस ली है, एक चाय का चम्मच भर के ऑयस्टर सॉस ली है। ये मेरे पास लहसुन पाउडर है, गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है, आप फ्रेश गार्लिक को का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने डेढ़ चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर लिया है, आधा चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है, दो खाने के चम्मच मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। ये ऑलिव ऑयल में मुझसे थोड़ा सा गार्लिक पाउडर गिर गया, आप ये मत समझिए कि ये ऑयल जो है वो साफ नहीं है। पेपरिका पाउडर मैंने लिया है, एक चाय का चम्मच भर के पेपरिका पाउडर, लेमन पाउडर तीन पिंचेस, तीन चुटकियां जो है वो मैंने लेमन पाउडर ली है, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, ओरिगेनो जो है वो आधा चाय का चम्मच मैंने ये लिया है, और सफ़ेद मिर्च दो चुटकी सफ़ेद मिर्च मैंने इसमें डालूंगी। इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसमें वाइट पेपर जो है वो कम जाएगा। मस्टर्ड पेस्ट हाफ टी स्पून मस्टर्ड पेस्ट जाएगा, और हाफ टी स्पून इसके अंदर ड्राइड पार्सले जाएगा। चलिए अब मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। मैं इसके अंदर ये पेपरिका पाउडर ऐड करूंगी, नमक और गार्लिक पाउडर, ओरिगेनो ब्लैक पेपर वाइट पेपर और लेमन पाउडर, ऑलिव ऑयल, ऑयस्टर सॉस, मस्टर्ड पेस्ट, और ड्राइड पार्सले। अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी। आपने अच्छे से इसको इस तरह दबा के इसके अंदर ये सारे मसाले जो हैं वो लगाने हैं। आज ताहा घर पे नहीं है मेरे साथ कैमरा पकड़ने के लिए, तो आज मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं इसको मैरिनेट करती हूँ मसाले, इसको अच्छे से इसको लगाऊं जी। नाजरीन, ये देखें, मैंने इस फिले को मैरिनेशन इसकी कर दी है। अब मैं इसको दो घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। अगर तो आप ओवरनाइट इसको मैरिनेट करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। इसके अंदर सारे मसाले जो हैं वो
चले जाएंगे, लेकिन मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। 2 घंटों के बाद फिर हम इसको ग्रिल करेंगे और इसके साथ हम सोते वेजिटेबल्स और मैश पोटैटोस भी बनाएंगे। अब मैं आपको उसकी रेसिपी बताती हूँ। जी नाज़रीन, मैश पोटैटोस बनाने लगे। मैश पोटैटोस के लिए जो है वो मैंने आलू, एक अदद बड़े साइज़ का आलू मैंने बॉईल कर लिया था, छिलका उतार के उसको मैश कर लिया। इसके अंदर 1 चाय का चम्मच मक्खन जाएगा, 2 चाय के चम्मच इसके अंदर क्रीम जाएगी। आप टेट्रा पैक की लेना चाहते हैं वो ले लें, घर की लेना चाहते हैं वो घर की ले लें। 2 चाय का चम्मच क्रीम, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर काली मिर्च और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर नमक जाएगा। और साथ ही मैंने ये वेजिटेबल्स को, जो मैं सोते वेजिटेबल्स के साथ सर्व करूँगी, मैंने सिर्फ ब्लांच की है गाजर और मटर को। शिमला मिर्च को आपने सिर्फ सोते करना है, इसको बॉयल नहीं करना। इनको मैंने ब्लांच किया पानी के अंदर, पानी को गर्म किया, पानी के अंदर नमक डाला और इनको डाल दिया। 2 मिनट के लिए इनको बॉयल आने दिया और इनको स्ट्रेन करके ठंडे पानी में डाल दिया। ठंडे पानी में डालने से ये होता है कि आपकी वेजिटेबल का कलर ख़राब नहीं होता है। चलिए अब मैश पोटैटोस जो है वो रेडी करते हैं। मैं ये इसके अंदर डालूंगी। जी नाज़रीन, ये देखें हमारे मैश पोटैटो जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब इसको एक मैं छोटे से बाउल में डालूंगी ताकि उसको एक शेप दूं। जी नाज़रीन, ये देखें इसको मैंने एक रेमकिन में डाल दिए। अगर आप चाहें तो इसको बेक भी कर सकते हैं। 10 मिनट आप इसको 180 सेंसियस पे जो है वो बेक कर सकते हैं। अगर बेक नहीं करना चाहते, आप इसी तरह किसी मोल्ड में, किसी बर्तन में डाल के इसकी शेप बनाने के लिए इसके अंदर ये पोटैटोज डाल के रख लें। अब हम स्टेक की व्हाइट सॉस रेडी करेंगे। स्टेक को जो है हम मशरूम सॉस के साथ जो है वो सर्व करेंगे। अब मैं स्टेक की ये जो है वो व्हाइट सॉस वो रेडी करूं। जी नाज़रीन, अब हम व्हाइट सॉस रेडी करेंगे। व्हाइट सॉस के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, प्याज लिया है मैंने, अनियन लिए, बिल्कुल स्मॉल साइज़ का अनियन लिए, इसको बारीक चॉप कर लिया। आधा कप दूध, 1/4 टीस्पून नमक लिया मैंने, 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर, आप चॉप गार्लिक भी ले सकते हैं, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून बटर लिए और 3 टेबलस्पून मैंने क्रीम लिए। और मेरे पास ये चेडर चीज़ का स्लाइस है। आपके पास अगर दूसरे ब्लॉक में चेडर चीज़ है आप वो लें। अगर आपके पास पार्मेजान चीज़ है तो आप वो यूज़ कर लें। कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, बस आपने इसके अंदर मोज़रेला चीज़ यूज़ नहीं करनी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारा जो चिकन फिले है वो मैरिनेट हो चुका है। हम पहले इसको ग्रिल करेंगे, बाद में वाइट सॉस बनाएंगे, क्योंकि वाइट सॉस को गरम गरम पोर करना होता है इसके ऊपर। तो मैंने ग्रिल पैन ले लिया। अब इसके ऊपर मैं बटर लगाऊंगी और अपने चिकन फिले को ग्रिल के ऊपर रख दूंगी। अच्छा, मैं पैन में बटर डाल रही हूँ और ब्रश से मैं जो है वो बटर को इस तरह सारा स्प्रेड कर दूंगी। जी मैंने 1 खाने का चम्मच बटर जो है वो अपने ग्रिल पैन पे लगा दिए। ग्रिल पैन गरम हो रहा है। अब मैं अपना फिले जो है इसको अच्छे से, पहले आपने पैन को गर्म करना है। ठंडे पैन के ऊपर कभी भी आपने फिले को नहीं रखना। इस तरह आपने अपने जितने भी आपके फिले हैं, मैं 2 से बना रही हूँ, मैं इस तरह दोनों जो है इनको रखूँगी। और 2 से 3 मिनट इसको बिल्कुल भी आपने टर्न नहीं करना है। फिले डाल के आपने इसको हल्का सा इस तरह प्रेस करना है। आज जो मैं आपको स्टेक बनाना सिखा रही हूँ, ये मैक्सिकन स्टाइल है। इसके अंदर मैक्सिकन जो लोग हैं वो थोड़े स्पाइस तेज या वो यूज़ करते हैं। मैं आपको मैक्सिकन स्टाइल जो है स्टेक बनाना सिखा रही हूँ। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। आपने इनको इस तरह हल्का हल्का प्रेस कर लें। तो घर के अंदर तो इसी टाइप के पैन होते हैं। कमर्शली जो ग्रिल यूज़ होती है वो बड़ी ग्रिल होती है और वो नीचे हीट
प्रॉपर जो उसको लग रही होती है वो हीट उनकी जो है वो बहुत तेज़ होती है, जिसकी वजह से जल्दी बन जाता है। लेकिन घर में भी लोग कहते हैं कि हमने स्टेक खाना है, तो ग्रिल पैन नहीं है कमर्शियल, तो आप इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप स्टेक नहीं बनाएंगे, बनाएं इस तरह के छोटे पैन लेके आएँ और उसको ग्रिल करें। अभी 2 मिनट पूरे नहीं हुए, 2 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज करूँगी, तब मैं इनकी साइड चेंज करूँगी। साइड चेंज करके भी आपने इसी तरह इसको प्रेस करना है। एक साइड पे हमारा जो स्टेक है वो बन रहा है, ग्रिल हो रहा है, इस पे दूसरी साइड पे मैं वेजिटेबल को सोते कर लेती हूँ। मैंने एक चाय का चम्मच बटर लिया है, अब इसके अंदर मैं वेजिटेबल को सोते करूँगी। बटर को मेल्ट कर लिया मैंने, वेजिटेबल ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। वेजिटेबल के अंदर एक चुटकी नमक और एक चुटकी काली मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ। हमारी वेजिटेबल जो है वो सोते हो चुकी है, इसको मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखिए हमारा स्टेक कितना मज़े से जो है, और जूसी, कितना जूसी लग रहा है ये। तकरीबन टोटल इसके ऊपर 15 मिनट लगेंगे। अभी मैं व्हाइट सॉस तैयार करने लगी हूँ दूसरी साइड पे। मैंने पैन, उसी पैन के अंदर जिस पैन में मैंने वेजिटेबल को सोते किया है, मैं बटर ऐड करूँगी। साथ ही मैं इसके अंदर चॉप्ड अनियन डाल दूँगी। अनियन सोते हो गया, अब मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर और साल्ट ऐड कर दूँगी और इसको 1 मिनट इसी तरह मिक्स करूँगी। अब आपने इसके अंदर दूध शामिल कर देना। तो दूध हमारा जो है वो बॉयल हो गया, 2 मिनट इसको बॉयल करना। अब इसके अंदर मैं क्रीम ऐड कर दूंगी। अब इसके अंदर मैं ये चेडर चीज़ ऐड कर दूंगी। चेडर चीज़ के साथ ही आपने 3 टेबलस्पून इसके अंदर मशरूम ऐड कर देने और इसको हल्का सा थिक होने तक आपने इसको पकाना है। हमारी सॉस जो है वो थिक हो गई है, मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून पार्सली ऐड करूँगी, ये देखें। और हमारा चिकन जो है वो भी ग्रिल हो चुका है, अब मैं इनको डिश आउट करूँगी और सबको असेंबल करूँगी। जी नाज़रीन, हमारा चिकन स्टेक विद वाइट सॉस रेडी है। आप इसको वाइट सॉस भी कह सकते हैं, आप इसको मशरूम सॉस भी कह सकते हैं। चिकन स्टेक विद वाइट सॉस, मशरूम सॉस, मैश पोटैटोज एंड सोते असॉर्टेड वेजिटेबल्स के साथ बिल्कुल रेडी है। आप इसको घर में ट्राई करें। स्पेशली जिनकी फरमाइश थी सर हुमायूं खान साहब, उनके लिए आज आप अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करवाइएगा। और बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है। मुझे तो अभी से इसकी खुशबू से भूख लगना शुरू हो गई है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें। और मेरी अगर कोई रेसिपी आपको अच्छी लगती है, उसको आप ट्राई करते हैं, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।